एवरीवन, कैसे हो? एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज की ब्लॉग की शुरुआत है ना, मैं मुंबई बीटी बस स्टेशन से कर रहा हूँ। जो लोकल बस स्टेशन है ना, वहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। तो यहाँ का जो लोकल बस स्टेशन है ना, कुछ इस तरीके से है। देखिए आप, ये देखो, ये वेस्ट की बसें हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से नज़ारा है। ये है लोकल की बस है। इतना बड़ा है बस स्टेशन यहाँ का, आप देख सकते हैं कैसा रहता है मुंबई का जो लोकल बस स्टेशन रहता है ना, वो कैसा रहता है, किस तरह से रहता है, वो सारा कुछ दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए ऐसा है भाई। देखो, ये डबल टेकर बस भी यहाँ पर खड़ी होगी, सिंगल भी खड़ी होगी। देखिए वहाँ पर ना वाशरूम है, चलता फिरता वाशरूम है। यहाँ पर वैसे जगह है नहीं, तो वो बस जो है ना वो वाशरूम का ही है। देखो कितना बड़ा एरिया है यहाँ का, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये नज़ारा है। यहाँ पर ना कोई टिकट घर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं होता है यहाँ पर। आप देख सकते हैं, टिकट जो भी कटेगा ना बस के अंदर कटेगा। यहाँ से बुकिंग वुकिंग का कोई सिस्टम नहीं है, बाहर से बुकिंग करेंगे। ये देखो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, देखो ये है बस स्टेशन। छोटे छोटे वो होते हैं और यहाँ पर बसें आती हैं और चली जाती हैं, जैसे जैसे बस का टाइम होता है। तो मुंबई के हर कोने के लिए यहाँ से बस मिल जाएगी, लोकल ईस्ट वेस्ट और चर्चगेट के लिए यहाँ से बस मिल जाएगी। और आगे को अगर आप बांद्रा वर्ली सेलिंग जाएंगे, वहाँ के लिए भी आपको यहाँ पर बस मिल जाएगी। देख रहे हैं ये देखिए कुछ इस तरह से है। ये देखिए वहाँ तक है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। बस का जैसे टाइमिंग हुआ, जैसे जैसे वैसे आएगी, जैसे अभी ये बस आ गई है इस तरीके से। इस यहाँ का हॉर्न ना ट्वा ट्वा होता है, आप सुन रहे हैं बस का हॉर्न, वैसा आवाज़ वाला नहीं होता है, नॉर्मल हल्का आवाज़ वाला, ताकि प्रदूषण ना हो। ये सब बस है ना, उससे चलती हैं, बैटरी वाली है। जो ग्रीन कलर का बोर्ड लगा है, देख रहे हो आप, ये सब बैटरी से चलती है। ये पेट्रोल डीजल से, गैस और बैटरी, ये सब बैटरी से। ये वाली जो बस है ना, ये भी बैटरी से है। देखो यहाँ का पीछे का नज़ारा देख रहे हो, ट्रैफिक देख रहे हो आप। ये देखो इस तरह से हलचल है यहाँ पर। और यहाँ पर बस कौन सी कहाँ पर रहेगी, वेस्ट की बसें चलेंगी, सिर्फ वेस्ट की बसें चलेंगी। देखो कहाँ पर, ये देखो छोटा सा ये है बस स्टॉप, ये है यहाँ पर अलग बस रुकेगी। और एक यहाँ पर है, कुछ इस तरह से यात्री वेट कर रहे हैं। ये अलग है और वो अलग है। देखो बस घूम के गई, काफ़ी लंबी चौड़ी बस है, आप देख रहे हो काफ़ी लंबी चौड़ी बस है। ये देखो छत्रपति शिवाजी लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो इस तरीके से है बस स्टेशन यहाँ पर। पहले डबल टेकर बसें दूसरी थी, आजकल ना चेंज हो गया है, काफ़ी कुछ नया आ गया है यहाँ पर। और ये देखिए कुछ इस तरीके से नज़ारा। इसी बस स्टेशन के वहाँ पर आएंगे ना आप, तो यहाँ पर शाम को एवरी डे बहुत सस्ती मार्केट लगती है। आपको यहाँ पर कपड़े ना बहुत सस्ते रेट में मिल जाएंगे। ये देखिए, ये लगती है मार्केट यहाँ पर। और ये देखिए ये है भाई एसी बस, ये है देख रहे हैं आप, वो डबल टेकर बस। अभी सनसेट होने वाला है, शाम का समय है ये। शाम के समय ना यहाँ पर बहुत सारी मार्केट लगती है। ये देखो शाम को यहाँ पर ना बहुत सस्ती मार्केट लगती है, आप ले सकते हैं बहुत ही सस्ता। मराठी भाषा ज़्यादा लैंग्वेज यूज होती है यहाँ पर, जो भी यहाँ पर है सब वही यूज होता है। यहाँ से देखो ट्रैफिक कितना स्पीड से चल रहा है, ये देखो इस तरीके से। तो गाइज, मुंबई का जो लोकल बस स्टेशन था उसकी वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको बस स्टेशन की वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बस स्टेशन से, बस डिपो से आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं किस तरीके से हलचल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बाय बाय, मिलते हैं कुछ ऐसे नए ब्लॉग के साथ। बने रहिए आप मेरे चैनल में। थैंक यू।